हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे मंडे टू मंडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल है जो कि कवर करते हैं हमेशा की तरह। दोस्तों, आज भी महत्वपूर्ण कई सारे सवाल है जो कि हम कवर करेंगे साथ में। दोस्तों, सुबह 8 बजे वाला सेशन जरूर देखिएगा दोस्तों, और हमेशा की तरह सुबह 8 बजे आधा घंटा है जो कि आपको देना है, और आप आधे घंटे के अंदर देखेंगे कि आपका जो नॉलेज का लेवल है वो काफी जबरदस्त हो जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चीजें हैं जो कि हम आज भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये टेलीग्राम। दोस्तों, मेरे हर एक क्लास की पीडीएफ और वीडियो चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 37,000 के आसपास जो बच्चे मिलेंगे वो वाला ग्रुप है जो कि आपको ज्वाइन करना है। साथ में दोस्तों, अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अगर आपने कभी मेरे से एसएससी के अंदर जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, साथ में बायोलॉजी, ये सब नहीं पढ़ी है दोस्तों, तो ज्वाइन कर लेना। एसएससी के दोस्तों जितने भी एग्जाम है, आपके पीसीएस का एग्जाम है, यूपीएससी, सबके लिए दोस्तों मैं क्या लेके आया हूँ, एक एनसीईआरटी का दोस्तों बिल्कुल समरी है। बिल्कुल एनसीईआरटी जो अगर मैं बात करूं तो आपके सभी इंडिया में जितने भी एग्जाम है ना, उसके लिए जीके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी आपको मालूम है एसएससी सीएचएसएल भी चल रहा है, जेई भी आने वाला है। ओके, तो ये सब मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। पॉलिटी चल रही है, बायोलॉजी, करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगी मेरे साथ, आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस जीएस की बाकी क्लासेस भी मिल जाएगी। करना क्या है, रेफरल कोड आपको लगाना है BHUNESH BHUNESH10, 10% ऑफ भी मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस भी मिल जाएगी। ठीक है गाइज, इसके अलावा अगर आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, या फिर कोई बैंक है, कोई यूजीसी है, कोई नेट का एग्जाम, या फिर कोई पीसीएस का एग्जाम, यूजीसी नेट, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, BHUNESH10 यूज कर सकते हो। बैंकिंग में भी SBI क्लर्क की और RBI असिस्टेंट मेंस की सारी क्लासेस मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट की, और मेरी करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना BHUNESH10 यूज करके। रेलवे में भी आप यूज कर सकते हो, मैथ, रीजनिंग और नीरज सर की जनरल साइंस की क्लासेस चल रही है BHUNESH10 यूज करके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे था। ब्रेक द चेन नामक एक हैंड वॉशिंग अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है दोस्तों? तो ये केरला के द्वारा दोस्तों स्टार्ट है जो कि किया गया था। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, केरला आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। केरला की बात करें तो आप सभी लोगों को मालूम होगा दोस्तों केरला के सीएम कौन है, पिनाराय विजयानंद जी है जो कि अभी यहाँ पे सीएम है, आरिफ मोहम्मद जी है दोस्तों जो कि अभी यहाँ पे गवर्नर है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, कैपिटल है यहाँ पे। 14 डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपको केरला के अंदर मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया आरिफ जी है जो कि अभी यहाँ पे गवर्नर है, सीएम की बात करें तो पिनाराय विजयानंद साहब है जो कि CPIM पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है गाइस, तो वो यहाँ पे कौन है, अभी वो यहाँ पे अभी सीएम बने हुए हैं। आगे बढ़े, चलिए इसके अलावा ये भी देख लेते हैं कि स्टेट कब बना था। स्टेट जो बना था दोस्तों केरला, ये 1 नवंबर 1956 को स्टेट का फॉर्मेशन है जो कि हुआ था। यहाँ पे दोस्तों विधानसभा की जो सीटें हैं वो है 141, लोकसभा की है, साथ में लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की यहाँ पे है 20 सीटें, और राज्यसभा की बात करें तो 9 सीटें दोस्तों इस राज्य के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, केरला हाईकोर्ट कहाँ पर है, कोची के अंदर है। साथ में पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों तो पॉपुलेशन अच्छी खासी है, नियर बाय 3.5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। अनामुदी है जो कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, वो यहाँ पर केरला की भी सबसे ऊंची चोटी है। मलयालम और इंग्लिश है जो कि यहाँ पे दोस्तों बोली जाती है। बर्ड यहाँ पे ग्रेट हॉर्नबिल है, मैम्बल यहाँ पे इंडियन एलिफेंट है, और फ्लावर यहाँ पे दोस्तों एक कनी कोना करके जो कि इनका फ्लावर है। फ्रूट यहाँ पे दोस्तों जो स्टेट का फ्रूट है उसको बोलते हैं जैक फ्रूट, ये स्टेट का यहाँ पे क्या है दोस्तों, फ्रूट है। ट्री, और ट्री की बात करें तो कोकोनट का दोस्तों जो ट्री है वो यहाँ पे स्टेट का ट्री है। ठीक है गाइस, तो ये ब्रेक द चेन इनिशिएटिव आप देख सकते हैं, ब्रेक द चेन कैंपेन लॉन्च किया है ताकि इसको फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट है, आयुध निर्माणी बोर्ड स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में आपको बताना है। देखो भाई, बात ऐसी है कि भारत के अंदर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ना, ओके, जो कि किसके अंडर में काम करता है, ये डिफेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है दोस्तों उसके अंडर के अंदर क्या करता है, ये काम करता है। ये क्या करता है दोस्तों, रिसर्च का काम करता है, डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है, टेस्ट करने का काम करता है, साथ में मार्केटिंग भी करता है,
ओके, किसके अंदर? कोई भी एयर सिस्टम है अपना, लैंड का कोई सिस्टम है, कोई भी हथियार वथियार से लेकर, ओके, लैंड के, एयर के, सी के, तो इन सब के ऊपर दोस्तों ये क्या करता है? कायम करता है। ठीक है गाइस, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑपरेटेड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बोली जाती है और ओल्डेस्ट भी है, समझ लो नियर बाय 80,000 लोग है जो कि इसके अंदर काम करते हैं, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ आर्म ऑफ डिफेंस। आपसे पूछे ना कि भाई फोर्थ आर्म ऑफ डिफेंस क्या है, तो आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जो कि आप यहां पे बता सकते हो, समझ गए? ये एक तरीके से हमारे फोर्स होती है जो कि आर्म्ड फोर्सेस के पीछे काम करती है, और दुनिया की 37th लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। हालांकि हम इतने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते, लेकिन हमारी आर्मी बहुत बड़ी है ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए तो हमें मैन्युफैक्चरिंग करते ही है ना, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट का हम कर पाते हैं, लेकिन खुद के लिए तो हम करते ही है। इसी वजह से दुनिया की 37 लार्जेस्ट दोस्तों डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है बोर्ड इसको कहा जाता है, और सेकेंड लार्जेस्ट भी है दोस्तों एशिया के अंदर, आफ्टर द चाइना, समझ गए मेरी बात। स्थापना की बात करें दोस्तों, तो 1722 के 12 के अंदर इसकी स्थापना करी गई थी कोलकाता के अंदर। ठीक है गाइज, ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। डायरेक्टर जो है अभी दोस्तों जनरल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और चेयरपर्सन जो है उनका नाम है हरी मोहन, डीजी जो है उनका नाम है हरी मोहन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए एक क्वेश्चन के अंदर, क्या काम करता है, दुनिया में क्या रेपुटेशन है, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ हुआ, कौन डीजी है, हर चीज के बारे में दोस्तों हमने यहाँ पे जान लिया। साथ में अगर डेट की बात करें तो 18 तारीख को दोस्तों इसको हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फाउंडेशन डे है जो कि मनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 219वां फाउंडेशन डे है जो कि मनाया गया है, इसको हम बोलते हैं गन एंड शेल फैक्ट्री भी कहते हैं दोस्तों, है ना, ये देख सकते हो आप। हाल ही में सरकार ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में हरित राजमार्ग परियोजनाओं के लिए कितने रुपए को मंजूरी है जो कि दी है, जल्दी से बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? 7,760 है दोस्तों, जो कि आपको यहां पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहां पे नियर बाय 7,660 का दोस्तों बजट का अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है गाइस, कौन कौन से राज्य में? हिमाचल, राजस्थान, यूपी और आंध्र प्रदेश के अंदर। ओके, आप देख सकते हैं 780 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 4 राज्यों के अंदर अनाउंसमेंट किया गया है। ओके, अपग्रेड किया जा रहा है, नेशनल हाईवेज को ही कवर कर रहे हैं हम लोग, और इसको यहाँ पे पेड़ वेड़ लगा के जो है क्या कर रहे हैं, इसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और ये बात है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डैश में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन को मंजूरी दी है। किसके अंदर दोस्तों? परमानेंट कमीशन को दोस्तों मंजूरी दे दी है, जल्दी से बताइए। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडियन नेवी जो है ना उसके अंदर भी दोस्तों भारतीय महिलाओं को जो है अलाउ कर दिया है परमानेंट कमीशन को लेकर। बोला गया है दोस्तों कि हमारे को महिला और पुरुष को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट कमीशन है जो कि वुमेन को नेवी के अंदर करने के लिए बोला है, और सेंटर को बोला है कि कंप्लीट करें इस चीज को विथिन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर इसको पूरा करने के लिए बोला है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विमान विधेयक 2020 पारित किया गया। ICAO का मुख्यालय कहां पर है ये आपको यहां पे बताना है। ठीक है, कहां पर दोस्तों इसका मुख्यालय बना रखा है ये आपको बताना है। देखो बात ऐसी, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? मॉन्ट्रियल के अंदर है, कैनेडा के अंदर। तो कैनेडा मॉन्ट्रियल तो आपका हो जाएगा यहां पे सही आंसर। इसके जो हेड है दोस्तों अभी, वो उनका नाम कुछ फैंग करके, FANG करके, फैंग करके, जो कि अभी इसके हेड है। ठीक है गाइज, और दुनिया में जो है एविएशन का जो है यही देख लोग देखते हैं, इसका फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1972 को दोस्तों, सॉरी 4 अप्रैल 1947 था, 4 अप्रैल 1947 को किया गया था, समझ रहे हो। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है जो कि इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे लोकसभा के अंदर एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल है जो कि पास किया गया है, ठीक है, वॉइस नोट के द्वारा। ओके, तो जो भी ICAO का जो भी है ना क्राइटेरिया, उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फॉलो करेंगे। निम्नलिखित में से किसने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आपको बताना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
आंसर हो जाएगा रविंद्र सिंह ढिल्लन जो है ना, उनको दोस्तों अपॉइंट किया गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। कहां पर इसका हेडक्वार्टर दोस्तों? दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली जो है वहां पे दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। आंसर हो जाएगा रविंद्र सिंह ढिल्लन। और इसको एस्टैब्लिश कब, ये क्या है, एक भारतीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, समझ रहे हो, जिसका स्थापना 1986 के अंदर दोस्तों करी गई थी। फाइनेंशियल बैकबोन है जो कि भारत के पावर सेक्टर की मानी जाती है। पावर का मतलब क्या हुआ यार, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, है ना, हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करना, आगे बढ़ाना, तो उसकी बैकबोन है जो कि ये मानी जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। भारत की आठवीं सबसे बड़ी प्रॉफिट मेकिंग जो कंपनी है ना, अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी, तो यही मानी जाती है हमारे देश की एट्थ प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो कि इसको हम इसको कंसिडर करते हैं, समझ रहे हो। और भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एनबीएफसी भी है, जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है ना, उसमें भारत की सबसे बड़ी जो है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ही है। और भारत की लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी दोस्तों इसको बोला जाता है। पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको कंट्रोल करती है। इसकी पब्लिक ऑफरिंग 2007 में स्टार्ट करी गई थी और ज़बरदस्त जो है इसके आईपीओ के अंदर जो है जंप देखने को मिला था बॉम्बे स्टॉक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। नवरत्न कंपनी का स्टेटस है जो कि दोस्तों इसको मिला हुआ है। तो जब इसको आईपीओ जारी किया गया था तब काफ़ी पैसा है जो कि इसने कमाया था दोस्तों, है ना। और अभी अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में कितना स्टेक है इसका, 52% के आसपास है जो कि स्टेक है। ठीक है, 52% के आसपास का स्टेक है। 1986 में स्थापना करी थी, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके जो चेयरमैन और एमडी दोस्तों कौन है, उनका नाम है राजीव शर्मा। ये कहां पे कौन है, राजीव शर्मा जी यहां पे चेयरमैन भी है और एमडी भी है। ठीक है, थोड़ा सही तरीके से लिखू क्या, नाम समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, राजीव, ठीक है गाइज। तो कई सारे नए नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कई बार जानने को मिलता होगा, बहुत सारे बच्चों ने तो नाम भी पहली बार सुना होगा मेरे ख्याल से, है ना। लाइफ में कभी भी नाम वापस आएगा नहीं आपके लिए, तो कभी भी आपके लिए नया नहीं रहेगा, हमेशा आपको पता होगा कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करती है, क्या काम है, कब क्या हुआ था, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको हमेशा अपडेट रखेगी दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, तो अपडेट जो अपनी अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की, जिसको पीएम मोदी चेयर करते हैं, उन्होंने अपॉइंटमेंट है दोस्तों जो कि किया है। यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट जो इस वर्ष 12 जून से 12 जुलाई तक निर्धारित किया गया था, कोविड-19 के खतरे के कारण डैश के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो यूरो कप दोस्तों जो है उसको भी क्या कर दिया गया है, अभी रिसेंटली पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। अभी यूरो कप दोस्तों कब होगा ये थोड़ा सा संशय है, और बोला जा रहा है कि इसको अगले साल है जो कि कराया जाएगा, क्योंकि यूरोप के अंदर जो है ना वो काफी बड़ी समस्या हो गई है। यूरो कप वैसे देखो बास्केटबॉल का भी होता है और फुटबॉल का भी होता है, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो यूएफा चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना। यूरो 2020 को जो एक कप होता है ना, जिसको यूरोपियन कप बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है यूईएफए, यूएफा कप बोलते हैं हम इसको, बहुत ही फेमस है। जैसे कि हमारे यहाँ पे आईपीएल है, वैसे यहाँ पे यूएफा चैंपियंस लीग है, जिसको हम यूरोपियन कप भी कहते हैं। हर साल दोस्तों ये फुटबॉल कंपटीशन है जो कि जो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के मेंबर है ना, यूरोपियन कंट्रीज है, वो इसके अंदर दोस्तों खेलती है। 1955 के अंदर है जो कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना टूर्नामेंट है। और नियर बाय 79 टीम्स हैं जो कि इसको खेलती है। ग्रुप स्टेज जब इसमें आगे बढ़ते हैं तब उसके अंदर भी नियर बाय ग्रुप स्टेज के अंदर भी कोई 32 टीमें हैं जो कि खेलती है, समझ रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट टाइम जो जिसको कौन से किसने जीता था, करंट चैंपियन की अगर मैं बात करूं तो करंट चैंपियन कौन है, यूएफा लीग के अंदर चैंपियंस लीग के अंदर जितने भी देशों की है ना, वो कौन सी जो टीम्स होती है ना, जैसे कि स्पेन की हो गई, यूके की हो गई, फ्रांस की हो गई, है ना, यहाँ की जो क्लब की टीम्स है वो इसमें खेलती है। तो जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का एक क्लब है लिवरपूल नाम का, आपको मालूम होगा जो लोग फुटबॉल देखते हैं। तो लिवरपूल ने दोस्तों क्या किया था, लास्ट वाला जो टूर्नामेंट है वो यहाँ पे जीता था। रियल मैड्रिड आपको मालूम है एक स्पेनिश क्लब है, सबसे ज्यादा बार रियल मैड्रिड है जिसने इस टूर्नामेंट को जीता है, नियर बाय कोई 13 टाइम्स है जो कि उसने इसको जीता है। लिवरपूल की बात करें तो लिवरपूल ने इसको मेरे ख्याल से कोई 6 या 7 बार 6 टाइम है जो कि इस टूर्नामेंट को जीता है, समझ गए मेरी बात। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है ना, यूएफा कप बहुत ही फेमस कप है, तो इसको अभी एक साल के लिए क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन्ड है जो कि कर दिया गया है। तो डी आपको यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना, 2021 के अंदर अभी इसको कराया जाएगा। हाल ही में पाटिल पुटप्पा का निधन हो गया, वह एक डैश थे,
पाटिल पुटप्पा के बारे में दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है। कौन थे दोस्तों? बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है दोस्तों, जो कि इनको बताया जाता है पाटिल पुटप्पा के बारे में। ठीक है, आगे बढ़े तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाटिल पुटप्पा, यहाँ पे जर्नलिस्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राइटर भी रहे हैं दोस्तों, काफी पुराने पर्सन थे, मतलब 1919 के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, नियर बाय 100 साल के आसपास है, 100 साल से भी ज्यादा है जो कि इन्होंने उम्र है जो कि अचीव करी है दोस्तों। और एक्टिविस्ट भी रहे अपने टाइम के अंदर, हुबली से बिलोंग करते हैं और कन्नड़ डेली न्यूज़पेपर आया करता था एक, उसके जो है फाउंडर एडिटर है जो कि ये हुआ करते थे। ओके, चलिए, मास्टर डिग्री इन्होंने जर्नलिज्म के अंदर 1949 के अंदर ही जो है वो कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से इन्होंने ली थी। नेशनल अवार्ड भी जो है कन्नड़ यूनिवर्सिटी से इनको मिला हुआ है। ठीक है गाइस, तो उनका अभी निधन हो गया, आप देख सकते हैं ये कर्नाटक का जो है इन्होंने प्रतिनिधित्व भी जो है दो बार किया है। हाल ही में बोको हराम के सदस्यों ने एक हमले में 6 सैनिकों को मार दिया। बोको हराम डैश में उग्रवादी समूह है। बोको हराम के बारे में दोस्तों आपको बताना है, एक टेररिज्म ग्रुप है दोस्तों और काफी डेंजरस ग्रुप है, हजारों लोगों को इसने अपने अभी तक जो है वो शिकार बनाया है। और बोको हराम दोस्तों जो एक्टिव है ना, ये नाइजीरिया वाले जो एरिया है दोस्तों वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, समझ रहे हो? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। कैपिटल क्या है? अबूजा नाम से दोस्तों क्या है यहाँ पे कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो करेंसी क्या चलती है? नायरा नाम से दोस्तों यहाँ पे NAIRA नायरा नाम से यहाँ पे करेंसी है जो कि देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, NA नायरा और अबूजा इसकी कैपिटल है, करेंसी यहाँ पे नायरा है। ओके, पॉपुलेशन भी कोई ज्यादा है यहाँ पे, कोई 2 करोड़ के आसपास की नाइजीरिया की पॉपुलेशन है। ठीक है, लागोस नाम की सिटी है दोस्तों यहाँ पे, जो कि सबसे बड़ी सिटी यहाँ की नाइजीरिया की मानी जाती है, काफी फेमस भी है। ओके, नियर बाय 50% के आसपास यहाँ पे इस्लाम फॉलो किया जाता है और नियर बाय 40-45 क्रिश्चियनिटी फॉलो करी जाती है। प्रेसिडेंट दोस्तों यहाँ पे आपने नाम सुना होगा बुहारी जी का, प्रेसिडेंट भी अगर आपसे कह रहा आता तो नहीं है लेकिन फॉर नॉलेज ध्यान रख लो, बुहारी जी है जो कि अभी यहाँ पे प्रेसिडेंट है। ठीक है गाइज, और इनको भी इंडिपेंडेंस कहां से मिली थी? यूके से ही है, यूनाइटेड किंगडम से इनको क्या मिली थी? इंडिपेंडेंस है जो कि मिली थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ऐसा बोलता है कि नाइजीरिया भी एक इमर्जिंग मार्केट है, रीजनल पावर है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, लेकिन बिकॉज ऑफ इस बोको, बिकॉज ऑफ द बोको हराम और ऐसे कई सारे टेररिस्ट ग्रुप है दोस्तों, जिसके वजह से जो है ये ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है ना। बोको हराम जिहादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है दोस्तों, और नाइजीरिया के अलावा निगर, कैमरून, शैड, इन देशों के अंदर इसको काफी जो है इसका कंट्रोल एरिया माना जाता है। अबू बकर नाम से एक पर्सन हुआ करता था, कोई मोहम्मद यूसुफ करके था एक पर्सन, 2002 के अंदर यूसुफ करके था एक आदमी, उसके द्वारा दोस्तों इसका फॉर्मेशन किया गया। उसके बाद में इसको अबू बकर करके एक पर्सन था, उसके द्वारा इसको लीड किया गया था। ठीक है, उसने फिर काफी सारे वहां पे अटैक्स करवाए, काफी सारा जो है काफी ज्यादा वहां पे लोगों को मारा। ओके, वहां की आर्मी के ऊपर भी अटैक किया, काफी बड़ा इंसर्जेंसी ग्रुप है जो कि एक्टिव है। ऐसा बोला जाता है कि नियर बाय 10,000 लोगों को दोस्तों इसने अभी तक वहां पे मारा है। ठीक है, तो मैंने काफी एक बार जो है मैंने वीडियो भी बनाया था काफी टाइम पहले, प्लस के अंदर बनाया था, तो उस टाइम पे मैंने बोको हराम के बारे में काफी स्टडी करी थी। काफी ज्यादा डेडलीस्ट ग्रुप है, टेरर ग्रुप है जो कि इसको माना जाता है। ओके, ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, ये देख सकते हो आप इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कैथरीना को डैश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। कैथरीना के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो कैथरीना की बात करें तो इनको कहाँ की? ग्रीस की दोस्तों क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट है जो कि बनाया गया है। ठीक है गाइस, तो ध्यान रखिएगा, ग्रीस आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ग्रीस की कैपिटल की बात करें तो एथेंस यहाँ पे कैपिटल है। यूरो है दोस्तों जो कि यहाँ पे करेंसी देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, और ग्रीस का इतिहास तो आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों, काफी जबरदस्त इतिहास रहा है। ओटोमन एम्पायर से इनको जो आजादी मिली थी वो 1821 के अंदर जो है ना, ओटोमन एम्पायर जो हुआ करता था टर्की वाले एरिया के अंदर, वहां से दोस्तों इनको आजादी है जो कि मिली थी। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी यहाँ पे 1822 के अंदर, समझ रहे हो? ठीक है गाइस, इसके अलावा तो SDI के अंदर तो वैसे काफी आगे है, हाई SDI जो है माना जाता है, पॉपुलेशन कमी है, कोई 1 करोड़ के आसपास की जो है यहाँ पे पॉपुलेशन देखने को मिलती है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो कैरेस्को करके है दोस्तों, KYROSSKO कैरेस्को करके है, जो कि अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री है। ठीक है गाइस, चलिए दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीक प्रेसिडेंट है जो कि इनको बनाया गया है।
ओके, फर्स्ट फीमेल हेड है स्टेट की मॉडर्न ग्रीस के अंदर। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूजीसी, ओके, या फिर कोई पीसीएस का एग्जाम है इंडिया में, कैट, वैट, कोई सा भी एग्जाम है, तो अनअकैडमी पे भुवनेश 10 है जो कि रेफरल कोड लगा सकते हैं, 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपने कभी मेरे से जीके नहीं पढ़ी है तो भाई एक बार पढ़ लेना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी की क्लासेस चल रही है एसएससी के अंदर, एसएससी के अंदर चला रखी है, लेकिन इसका जो लेवल है वो आपको पीसीएस के अंदर, यूपीएससी में, सभी एग्जाम्स के अंदर काफी मदद देगा। बिल्कुल डायग्राम्स के थ्रू बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ जितना हो सके प्रैक्टिकल तरीके से। करंट अफेयर की वीडियो सारी आपको 3 महीने की मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर बैंकिंग के अंदर भी दोस्तों आप लोगों के लिए अवेलेबल है, बैंकिंग के अंदर भी चला रखा है, तो बैंकिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेरे अलावा सारी क्लासेस मिल जाएगी। करना क्या, अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, फिर ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आपको अपना गोल सिलेक्ट करना है, जो भी आपका गोल हो किसी भी सब्जेक्ट का, आप भुवनेश 10 है जो कि रेफरल कोड लगा दीजिएगा, 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एसएससी सेलेक्ट कर लिया, फिर गए आप प्लस के अंदर, फिर गए आप गेट सब्सक्रिप्शन में, उसके बाद में आपको 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 12 महीने का ऑप्शन मिलेगा। 1 महीने का ठीक है मत लीजिएगा, 12 महीने का लीजिएगा, मात्र 500 रुपये पर मंथ में पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि 500 रुपये पर मंथ के अंदर आप इंडिया के जितने भी एग्जाम है ना एसएससी के, सबका आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जैसे कि सीजीएल की मेंस की क्लासेस, सीएचएसएल की मेंस की, ओके, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, सीपीओ हो गया, जेई हो गया, स्टेनो हो गया, ओके, आपके लिए फेज जो 8 है उसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सारी क्लासेस कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा 12 मंथ के अंदर। रेफरल कोड की बात करें तो भुवनेश 10 आप यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइज, आज ये टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ और सारे वीडियोस के लिए। वो वाला ग्रुप ज्वाइन करिएगा जिसमें 37,000 के आसपास बच्चे हो, 37-38 के आसपास बच्चे होंगे, वो वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, करंट अफेयर बाय भुवनेश 10 ज्वाइन करके। क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंगदान के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है जो कि बन गया है ऑर्गन डोनेशन के अंदर। ठीक है गाइज, तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण, को लाइक और शेयर जरूर करेगा दोस्तों। वापस मिलेंगे सुबह 8 बजे क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।